जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से, तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, तो कहीं नाराजगी का भाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा, कहीं बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने, तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होंगी खुशमिंदियाँ चेहरे पर, तो कहीं पीठ पर ही बुराई का भाव मिलेगा, तू चला चल रही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा, रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। इंसान में सुंदरता की कमी हो तो अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, पर अच्छे स्वभाव की कमी सुंदरता से कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी और की आंखों से निकले। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, मगर गलत सोच और गलत नीयत कभी नहीं सुधारी जा सकती है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, मैं जिसको भी अपनाती हूँ वो मुझे छोड़ जाता है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए बोला, आज से अपने दुखों को भी अपना लो, फिर वो भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। जो इंसान हाथ से काम करता है वो मजदूर है, जो हाथ और दिमाग से काम करता है वह कारीगर है, जो हाथ दिमाग और दिल से काम करता है वह कलाकार है। अपने दुश्मन को हजार मौके दो कि वह आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह आपका दुश्मन बन जाए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही स्वरूप है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। अगर आपके झुकने से किसी को थोड़ी सी भी खुशी मिल सकती है तो झुक जाओ, किसी और की खुशी शायद आपकी संतुष्टि बन सकती है। भगवान आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, भगवान तो वह देता है जो आपको चाहिए था। सलाह देने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन इन सब में जो आत्मा की आवाज़ सुन सके वही सबसे बेहतर है। जरा सलीके से बटोरना बुझे दिए को, क्योंकि इन्होंने अमावस्या की अंधेरी रात में हमें रोशनी दी थी। किसी को जलाकर खुश होना तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो खुद को जलाकर हमें खुशी दी थी।